अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, बहुत दिनों से नॉनवेज 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 चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेज कर देते हैं। और यूजुअली मैं वेज बनाती रहती हूँ, समझे ना, हफ्ते में 7 दिन में 3 से 4 बार अगर नॉनवेज बनता है तो डेफिनेटली 3 बार वेज बन जाता है, और पूरी तरीके से वेज, बीच में नॉनवेज हम नहीं डालते। और हरी सब्जियां भी बहुत खाते हैं। अच्छा, अब बहुत हो गया ज्ञान। यहाँ पर मैंने ना 2 प्याज ली है, आप देख सकते हैं। अब ये छोटी है, एक छोटी बड़ी है, तो 2 आप लीजिए मीडियम साइज की, चलेगी। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन एक बहुत ज्यादा बड़ा है और एक बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप 2 मीडियम साइज के लीजिए, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजों को पहले काटती हूँ। बना के रही हुई तो बताओ। अरे, हमने बताया नहीं है। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चने का सालन, बढ़िया सा, मजेदार सा, चटपटा सा। और उसे हम खाएंगे, अल्लाह लेके दे तो किसके साथ खाएंगे हम, चावल के साथ, बघारे हुए चावल, जीरे वाले, उसके साथ खाएंगे। और रोटी मैंने बना ली है। और चौथी चीज में क्या बना रही थी, भाजी, हमारी जो मेथी की भाजी आती है ना, उस वो भी बना रही हूँ, सूखी मेथी की भाजी, आलू डाल के, बढ़िया सी मजेदार सी, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं चने का सालन, चटपटा सा, और चावल, और ये भाजी, मेथी की भाजी एज अ सब्जी। अच्छा, मैंने 2 ये जो मीडियम साइज की प्याज है ना, उसे आप चाहे तो झुंडा काट लें, चाहे तो इस तरीके से स्लाइस कर लें, तो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर ना प्याज तो कट चुकी है, ये मैंने है ना चने लिए, आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये वो जो ब्राउन चने होते हैं ना, इसमें 2 टाइप के चने मिलते हैं, ग्रीन कलर के और एक ब्राउन कलर के। तो आप ब्राउन कलर के छोटे चने बोलिए, तो ये देंगे। तो आप रात को समझिए ना, मैंने तो ये 250 ग्राम थे, रात को मैंने पूरा पैकेट 2-3 पानी से धोकर, इसे भिगाकर ढककर रख दिया था, फ्रिज में नहीं बाहर ही रखना है। तो सुबह में तो ऐसे फूल कर ऐसे बड़े हो जाते हैं वो, तो ये छोटे, याद रहे, अब छोटे चने बोलेंगे और ब्राउन कलर के, ठीक है ना। अब मैं क्विकली टमाटर की छील निकाल लेती हूँ और उसे भी बारीक काट लेती हूँ। जैसे मैंने कहा, हमारे घर में तो वेज 2-3 दिन में बन ही जाता है, हफ्ते के अंदर। आपके घर में कितने दिन बनता है एक हफ्ते में, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए ये हो चुका है, क्विकली किचन में जाते हैं और बघारते हैं हमारे चने, चटपटे चने का सालन को। अच्छा, यहाँ पर मैं जो भाजी बोल रही थी ना, वो मैं मेथी की भाजी पहले ये चढ़ा देती हूँ, उसके बाद साफ करूंगी, सो दैट ये जब तक चढ़ता रहेगा, और फिर बाद में भाजी का करूंगी, भाजी तो क्विकली हो जाएगी। चलिए, कुकर का चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर, उसमें तेल डाल दीजिए, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ते, 3-4 काली मिरी, 3-4 लौंग, और मैंने 2 ही डाली, आप 3-4 भी डाल सकते हैं, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। ये सारी चीजों को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो ये जो प्याज हमने साइड पर रखी है बारीक काट कर, 2 मीडियम साइज की लंबी लंबी स्लाइस करी, वो डाल दीजिए, और ये प्याज को फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, डार्क मत कीजिएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक ही इसे फ्राई कीजिएगा। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाती है कुछ देर के बाद प्याज, तो इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हल्का सा मैं पानी भी डाल रही हूँ, सो दैट प्याज ज्यादा लाल ना हो जाए ना, थोड़ा सा छीटा पानी का डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती, तब तक। जब कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन का, तो 2 टमाटर मीडियम साइज के बारीक कटे हुए छील निकाल कर, बारीक काट कर डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए नमक हल्का सा स्वाद अनुसार, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, ये डालकर मिक्स कीजिए, धीमी आंच कर दीजिए, ढक दीजिए और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर है अच्छे खासे नम नहीं हो जाते, ये जो गैसकेट है ना निकाल कर इसे ढकिएगा। हाँ, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे खासे टमाटर नम हो चुके। मैंने अच्छे लाल टमाटर लिए थे, सो दैट जल्दी नम हो जाएं। अब इसमें डाल दीजिए 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर,
और 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 3/4 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। 1/4 कप जितना पानी डालिए इसमें, और इसमें मिक्स करने के बाद फिर से मिक्स कीजिएगा और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हा स्लो करके ढक कर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तकरीबन 3-4 मिनट में तो ये देखिए तेल छूट चुका है, मैंने कम तेल डाला था इसके लिए इतना ही दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ जो साइड पर हमने चने भिगा के रखे थे वो सारे नितार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, हल्का नमक डाल दीजिए ये जो हमने अभी चने डाले हैं उसके भाग का, मिक्स कीजिए और इसे पकाएं। बार बार चलाते रहें मीडियम आंच पर, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने अभी डाला है। और यहाँ फिर से आप गैसकेट लगा लीजिए, रेडी रखिए हमारे ये जो कुकर के ढक्कन को साइड पर। ये देखिए कुछ मिनटों में तो तेल भी छूटने लगा है, आप देख सकते हैं, और हल्का हल्का चिटकने लगे तब डाल दीजिए 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी तकरीबन 300 ml जितना होता है, ये डालकर इसका कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और इसको फास्ट आंच कर दीजिए और सीटी खिला लीजिए। 4-5 सीटी फास्ट आंच पर खिलाए, 4-5 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो करके 15 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए स्लो आंच पर। और यहाँ अब मैं आराम से बैठ के मेथी के पत्ते तोड़ रही हूँ। अच्छा, मेथी के पत्ते क्या कर रहे हैं आपको आपको पता होगा, तब भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये जो पत्ते हैं इन्हें इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़िए, और जो कौली कौली कांडियां हो उसे भी लीजिएगा। कौली कौली जैसे ये देखिए कितनी कौली है, तो ये वाली मैं ऐसा बारीक काट के 2-3 बार ऐसा काट के तोड़ के यानी डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारी जो ये है मेथी की भाजी क्विकली कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़े से लहसुन आप देख सकते हैं यहाँ ये मैंने रखे हैं, उसे भी बारीक काट लूंगी। लहसुन नहीं खाते हो तो आप कम लहसुन डालिए, लेकिन लहसुन का फ्लेवर जरूर डालिएगा हमारी ये भाजी के अंदर मेथी की। तो मैं बस काट कर तोड़कर मैं आपको मिलती हूँ क्विकली। अच्छा, मैंने इसे छन्नी पे रख दिया है और 2-3 पानी से आपने देखा मैंने धो लिया इसे, और अब मैं इसे थोड़ी देर साइड पर रख रही हूँ जब तक इसका थोड़ा पानी निकलेगा। मैं जब तक क्विकली प्याज का कर लेती हूँ क्विकली। मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्चियों को मोटा मोटा काट लेती हूँ और बीच में से स्लिट कर लेती हूँ। ये ज्यादा स्पाइसी वाली नहीं है तो मैंने ये मोटी मोटी बड़ी ली। आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आप हरी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 प्याज को मीडियम साइज की को छील लिया और इसे धोकर मोटा मोटा मैंने काट लिया, इसे भी मैं साइड पर रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने 6-8 लहसुन लिए हैं और इसे मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ धोने के बाद। और यहाँ पर साइड पर 2 आलू हैं, इसको भी मैं छील कर इस तरीके से इस पीसेस ऐसे पीसेस बनाकर इसे मैं काट कर साइड पर रख देती हूँ पानी के अंदर। ये जो एक जूड़ी थी ये पूरी एक जूड़ी थी, ये एक जूड़ी मेथी को मैंने जो साइड पर नितारने रख दिया था इसे मैं बारीक बारीक रफली काट लेती हूँ और इसे भी साइड पर रख देती हूँ। चलिए, तो मैंने सारा काट लिया है, क्विकली हम मेथी की भाजी बघारते हैं आलूओं के साथ। चलिए, पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसका कुकर का चूल्हा बंद कर दिया था और अच्छा प्रेशर निकल गया। तो यहाँ पर अभी खोलकर हम चेक कर लेते हैं, हल्का सा होना बाकी है हाँ ये चने को। तो मैं फिर से पानी डाल देती हूँ, तकरीबन 1.25 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 कप पानी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जितना ये जो इमली है ना इसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगाने रखा था, और अभी ये जो इमली का गूदा 1 टेबल स्पून जितना इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से निचोड़ कर। और बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, नमक चख लीजिए, अगर नमक सही लग रहा है तो सही है, नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और इसका ढक्कन ढक दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके 4 से 6 सीटी और खिला लीजिए, या तब तक पकाएं जब तक आपकी ये चने गल नहीं जाते तब तक। आप फ्राई पैन लें या कढ़ाई में, फ्राई पैन ले रही हूँ उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, तेल थोड़ा सा मैं ज्यादा ही रखती हूँ हमेशा हल्का सा जो हमारी भाजी के लिए। इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चाय का चम्मच साबुत जीरा और 6-7 कली लहसुन की जो हमने बारीक काटी है वो डालकर इसे फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर तकरीबन 1/2-1 मिनट तक। जब आप फ्राई कर लें तो इसमें जो हरी मिर्चियाँ काट कर रखी है वो सारी डाल दीजिए और उसे भी 1/2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए।
अब प्याज डाल दीजिए जो मोटी मोटी काट कर रखी है, उसे भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है प्याज को जब तक हल्की कच्ची पक्की नहीं हो जाती। जब कच्ची पक्की हो जाए दो छोटे आलू डाल दीजिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से काटे हैं, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। वैसे मैंने दो लिए हैं, छोटे थे, आप मीडियम साइज का हो तो एक ले सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फास्ट पर है, नमक डाल दीजिए, हल्का सा ही डालिएगा पहले तो। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैं 1/4 कप जितना पानी का छींटा मार देती हूँ, क्योंकि मेरा नॉनस्टिक नहीं है और स्टील की है। अगर आपकी नॉनस्टिक है तो कम पानी डालिएगा। और इसे छींटा मारने के बाद चूल्हा स्लो आंच कर दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालने के बाद मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच पर ढककर तकरीबन 4-5 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक ना ये जो आलू है ना 50-60% तक गल जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, आलू चेक कर लीजिए। ये देखिए तकरीबन 60-70% आलू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो भाजी रफली काट कर रखी थी ये सारी डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। इसका जब आप मिक्स करेंगे ना तो मीडियम आंच पर रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट में पानी छूटने लगेगा। जब 1 से 1.5 मिनट में पानी छूटने लगे तो धीमी आंच कर दीजिए और इसे ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता और तेल छूट नहीं जाता। अच्छा, मेरी स्टील की पतीली है तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 1/4 कप जितना, और इसे मिक्स करके स्लो आंच पर ढक कर इसे पकने देती हूँ तब तक जब तक तेल नहीं छूट जाता। अगर आपकी नॉनस्टिक है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। 6 आंच सीटी हो चुकी है, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ कुकर का। अच्छा, ये स्लो पर है, जब तक थोड़ा सा तेल नहीं छूट जाता तब तक हम भाजी को पकने दे रहे हैं। यहाँ मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था हल्का, ये अभी पूरा प्रेशर निकल चुका है, मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया सी बन गई है। 6-7 सीटी मैंने खिलाई थी फास्ट आंच पर और अब चूल्हा बंद करने के बाद ये देखिए कितना परफेक्टली हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, अब आप मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया से। और अब इसमें आप थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, नमक एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, आप चाहें तो बारीक हरी मिर्चियाँ डालना चाहें तो बेशक डालिएगा, मैं नहीं डाल रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि इसका जो ग्रेवी है मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको थोड़ा पतला करना हो थोड़ा पानी डाल दीजिए, गरम पानी थोड़ा करके डालिएगा 1/2 कप जितना, या जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसमें डालकर इसे एक उबाल खिला लीजिए और 2-5 मिनट स्लो आंच पर ढक कर पकने दीजिए। तब तक थोड़ा सा वो पानी भी पक जाएगा ना, थोड़ा सा ग्रेवी के लिए जो आप डाल रहे हो। फिर 5-6 मिनट के बाद उसे बंद कर दीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड आपको मैं चावल जो बनाई हूँ वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बढ़िया से मजेदार चावल बने हैं, आप देख सकते हैं, मस्त एकदम। चलिए मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, तेल अच्छा छूट चुका है, इसका मतलब मेरी भाजी भी हो चुकी है और बढ़िया से। आलू तो पहले ही गल चुके थे, अगर नमक लगे तो एडजस्ट करने जैसा करिए, नहीं तो बराबर है हमारी भाजी। चूल्हा कर दीजिए बंद। मैं ये लजीज सब्जी को एक प्याले में निकाल रही हूँ मजेदार से और इसे सर्व करूंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं चावल निकाल रही हूँ और ये रहा हमारे चटपटे चने ग्रेवी वाले। तो आप देख सकते हैं दस्तरखान बिछ चुका है और बढ़िया सी खुशबू आ रही है और मुझे उसकी ओर खींच रही है। और ये जो सब्जी है आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए, मैं तो रोटी के साथ खा रही हूँ। और ये जो चने हैं इसे मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। और साइड पर ही आप देख सकते हैं मैंने सैलड भी बनाया है, उसमें थोड़ा नमक काली मिरी डालकर उसमें थोड़े से नींबू का रस डाला है और वो चावल था और ये रोटी है। और गर्मा गर्म बिस्मिल्ला बोल रही हूँ, आप भी आइए बोलिए बिस्मिल्ला मेरे साथ। चलिए मैं अभी खाकर देखती हूँ मजेदार सी मेरी कम मसाले में बनी हुई मेथी की भाजी आलूओं वाली मजेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया। खाओगे तो सच्ची में उंगलियां चाटते रह जाओगे। कभी कभी सिंपल फूड भी बहुत अच्छा लगता है। मस्त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है, आपने ये वीडियो लाइक करना है। बढ़िया से आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा चावल भी खा के देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ।
मजेदार है एकदम, मुंह से आपके छूटेगा नहीं वो, ऐसा है टेस्ट। तो मैं तो इस दिन थर्ड यू कंटिन्यू करती हूँ। खाना मजेदार थी दोनों, मेरी सब्जी, एक सब्जी और एक ग्रेवी है चने की सालन, चने का सालन और मेथी की भाजी, ये कम मसालों में बनी और ये नॉर्मल जो मसालेदार थे ग्रेवी वाली वो है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, इंजॉय।